రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ ధ్వజమెత్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై. కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా సమాధానం చెప్పాల్సిందే అంటూ ఆయన చాలా గట్టిగా మాట్లాడారు. ఒకసారి ఆయన ప్రసంగాన్ని చూద్దాం. अपने पार्टी की तरफ से और अपने चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ से जिन्होंने भी इस समर्थन में खड़े हुए उन सबको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस देने पड़ेंगे मैडम, क्योंकि बीच में हमारे हरिबाबू जी भी बोल चुके हैं और गृह मंत्री भी बोल चुके हैं, तो थोड़ा समय दीजिएगा. सबसे पहले मैडम, रेलवे जोन का हिस्सा आता है, रेलवे जोन विशाखापट्टनम में देने का काम देने का एक्ट में दिया था मैडम. 4 साल हो गए, अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया. अभी हमारे हरिबाबू जी आते हैं विशाखापट्टनम से, वो दिल्ली का कम और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी विशाखापट्टनम का ज्यादा सुनते तो उनको पता चलता कि वहां का लोगों का राय क्या है. 4 साल हो गए. पिछले 2002 में जब वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे तब 7 जोन उन्होंने दिए थे, इस देश में 7 नए जोन बनाए थे. आज एक और नया जोन बनाने की बात हो रही है. जहां विशाखापट्टनम की बात करते हैं, जहां पे 250 एकड़ अभी रेलवे का लैंड अभी वहां पे उपस्थित है. राममोहन जी 1 मिनट, 8 बजे तक हमने कहा था, आप सबकी सहमति से 1 घंटा और बढ़ा देते हैं. बढ़ाओ मैम, जब तक डिस्कशन खत्म नहीं होता तब तक बढ़ाओ. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई समय सीमा तो रहती है मैडम. हमने इसी उद्देश्य के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है ताकि इस पे पूरी तरह से चर्चा हो. अब इस पे पूरी तरह कैसी हो रही है, आप अपनी बात कहो. चलिए मैडम, अब विशाखापट्टनम की बात हो रही है, जहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे पोर्ट्स हैं, जहाँ पे नालको, NMDC, HPCL, NTPC है, वाइजैक स्टील प्लांट है, डीजल लोको शेड है, इलेक्ट्रिक लोको शेड है, इतने सारे चीजें हैं वहाँ पे जो सहायता ये जोन एस्टेब्लिश करने के लिए है. फिर भी अभी तक निर्णय नहीं लिया. 4 साल हो गए, हम यही सवाल पूछते आ रहे, फिर भी एक टूटे रिकॉर्ड की तरह. जब वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जैसे बोलते हैं एक टूटे रिकॉर्ड की तरह, ओ चंद मामा, ओ चंद मामा, ओ चंद मामा, कोई भी मंत्री यहाँ पे बोले वही बात बार बार दोहराया जाता है. आज तक जो साल एक में 2014 में जो बोली गई है उससे अभी तक एक भी चीज नहीं बदला है. रेलवे जोन का एक ऐसे ही रह गया मैडम, तब से अभी तक एक कारण देखे ऐसे ही छोड़ दिया. अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहे थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रस्ताव क्यों आया, क्योंकि जब आंध्र का विभाजन जब हो रहा था तब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सोचा इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना है. तब किसने मांगा, तब वेंकैया नायडू जी ने मांगा, तब अरुण जेटली जी जब राज्यसभा में बैठे थे उन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 5 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए देना चाहिए. और भारतीय जनता पार्टी के उनके मैनिफेस्टो में भी दिया हुआ है कि 10 साल तक देना चाहिए. चलिए आप लोग तो आ गए अभी सरकार में, सरकार के आने के बाद पोलावरम में जो 7 मंडल है, जिस तरह से आपने एक नया एक्ट लेके आके नया चेंज कैसे जिस तरह से अमेंडमेंट किया, उसी तरह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का अमेंडमेंट क्यों नहीं किया आपने, आज आप बोलते हो कि स्पेशल. ఇదే తరహాలో రామ్మోహన్ నాయుడు చాలా కీలకమైన క్వశ్చన్స్, చాలా కీలకమైన పాయింట్స్ లేవనెత్తారు, సూటిగా ప్రధానమంత్రి సమాధానం చెప్పాలంటూ అన్నారు. ఒకసారి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రసంగం తర్వాత ఒకసారిగా ధ్వజమెత్తింది సభ అంతా కూడా. ఒకసారి